जबलपुर के लुटेरे पति पत्नी, पति एक्टिवा चलाता था, पीछे पत्नी बैठी रहती थी और चेन झपट लेती थी और मंगलसूत्र भी। सिगरेट और शराब की शौकीन है युवती। आपको बता दें कि जबलपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक एक्टिवा पर लूट करने वाले पति पत्नी को पकड़ा है। जी हां, 1.5 साल जबलपुर के लुटेरे पति पत्नी, पति एक्टिवा चलाता था और पत्नी पीछे बैठकर किसी की चैन और मंगलसूत्र झपट लेती थी। वहीं यह युवती सिगरेट और शराब की भी शौकीन है। जबलपुर में एक दिन पहले जबलपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक्टिवा पर लूट करने वाले पति पत्नी को पकड़ा। 1.5 साल पहले लव मैरिज करने वाला यह जोड़ा पेशेवर लुटेरों की तरह वारदातें कर रहा था। गोहलपुर में 2 लूट करने के बाद दोनों तीसरी वारदात करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पकड़े गए। ASP संजय अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में हम भी चौंक गए। पुलिस के मुताबिक गोहलपुर क्षेत्र में हुई 2 लूट के बाद घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले गए, तो इस दंपत्ति के बारे में सुराग मिला, जिसके बाद TI अरविंद चौबे और उनकी टीम ने CCTV में दिख रहे धुंधले से हुलिये के आधार पर इस दंपत्ति को आखिरकार दबोच लिया। गोहलपुर पुलिस ने सोहागी आधार ताल के विक्की उर्फ विकास गौतम और उसकी पत्नी श्रेया अवस्थी को पकड़ा है। विकास 7वीं पास है, श्रेया ने 10वीं तक पढ़ाई की है। दोनों ने 1.5 साल पहले लव मैरिज की थी। इनकी शादी से परिवार वाले भी खुश नहीं हैं, दोनों परिवार से अलग रहते हैं। श्रेया शराब और सिगरेट की शौकीन है। पहले लव मैरिज करने वाला यह जोड़ा पेशेवर लुटेरों की तरह वारदातें कर रहा था। गोहलपुर में 2 लूट करने के बाद दोनों तीसरी वारदात करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पकड़े गए। घर से अलग हुए तो खर्च चलाने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए दोनों ने शॉर्टकट अपनाया। दोनों मिलकर शहर में लूट करने लगे। विकास गाड़ी चलाता और श्रेया पीछे बैठकर लूट करती। दोनों से पूछताछ में अब तक लूट की 4 वारदातों का खुलासा हो चुका है। दोनों ने गोहलपुर में 2 आधार ताल में 1 और विजयनगर में 1 लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। वो जो लड़की थी श्रेया अवस्थी और उसका जो पति है विकास राजपूत, ये दोनों मिलकर के, इनके पास एक स्कूटी है, लड़की स्कूटी में बैठती थी, लड़का स्कूटी चला रहा है और वो मंगलसूत्र छीन लेती थी। ये दोनों मिल करके घटना करते थे, तो इनके पास से अभी 4 मंगलसूत्र बरामद हुए हैं और जो घटना में वाहन प्रयुक्त होता था उसकी मां के नाम पे है स्कूटी, वो जब्त कर ली गई है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।